हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रामर क्लासेस विद रचना शर्मा। सो फ्रेंड्स, आफ्टर जेंडर, नाउन जेंडर के बाद हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केस। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग, केसेस क्या हैं? ये केस कोई दूसरे केस नहीं, बल्कि ये केस नाउन केसेस हैं। अब आप पूछेंगे नाउन केसेस क्या हैं? नाउन केसेस वो हैं जो नाउन, जो एक सेंटेंस में नाउन का जो रोल है उसको प्ले करते हैं। मीन्स नाउन हमें बताते हैं कि हमें नाउन, एक सेंटेंस में हमने नाउन को किस तरह से यूज़ किया है। तो लेट्स स्टार्ट विद द नाउन केसेस। सो चिल्ड्रन, आई वॉज टेलिंग यू नाउन केस में वॉट काइंड of a role a noun plays in a sentence, ठीक है? किस तरह का रोल निभाता है, तो नाउन के क्या क्या फंक्शंस रहते हैं केस के अंदर, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। सबसे पहले हम केस की डेफिनेशन देख लेते हैं। अब क्या है डेफिनेशन? अ नाउन मे बी यूज एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। नाउन जो है या तो एक सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट यूज़ किया जाता है या फिर एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ किया जाता है, ठीक है? और टू शो पोजेशन, ठीक है, या फिर पोजेशन को शो करने के लिए यूज़ किया जाता है। सो वी से दैट द नाउन इज़ इन द नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव और पोजेसिव केस। अब देखिए, ये तो हमारी डेफिनेशन हो गई नाउन की, नाउन केस की, ठीक है? अब हम बात करेंगे नाउन के फंक्शन, एक सेंटेंस के अंदर नाउन के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, किस तरह से नाउन फंक्शन करता है, किस तरह से काम करता है, ठीक है? नंबर वन, नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव केस, ठीक है? ये ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत हार्ड नहीं है, और ये आप पहले भी पढ़ चुके हो और शुरू से पढ़ते आ रहे हो। नॉमिनेटिव, बस नॉमिनेटिव नाम से ही आपको लग रहा होगा कि पता नहीं क्या चीज़ है। तो नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव केस मतलब जब जहाँ पर नाउन एज अ सब्जेक्ट काम करता है, ठीक है? नंबर टू, एक्यूसेटिव केस, एक्यूसेटिव और ऑब्जेक्टिव। एक्यूसेटिव का दूसरा नाम ऑब्जेक्टिव केस है। मीन्स एक्यूसेटिव भी नाम देखने में बहुत अजीब सा लगता है, बहुत बड़ा सा लगता है, बट दिस इज़ एन ऑब्जेक्ट, कि नाउन में जो नाउन एज अ ऑब्जेक्ट हम सेंटेंस के अंदर यूज़ करते हैं। नंबर थर्ड आता है पोजेसिव केस। यू नो वेरी वेल पोजेसिव केस क्या होते हैं, ठीक है? नहीं तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा डिटेल में बताऊँगी, देन यू मे बी यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। नंबर नेक्स्ट आएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब, ठीक है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब। और नेक्स्ट है केस इन अपोजिशन। अब हम स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव केस को। सो चिल्ड्रन, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नॉमिनेटिव केस। फर्स्ट है नॉमिनेटिव केस। अब इसकी फर्स्ट वी विल सी द डेफिनेशन। व्हेन अ नाउन इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, इट इज़ सेड टू बी इन द नॉमिनेटिव केस। जब नाउन को एक सेंटेंस के अंदर एज ए सब्जेक्ट यूज़ किया जाता है, तो हम उसे कहते हैं नाउन इज़ इन द नॉमिनेटिव केस, और हम कहते हैं ये एक नॉमिनेटिव केस है। अब इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। रीता प्लेड फुटबॉल। अब देखिए, इसमें सब्जेक्ट क्या है, आपको पता है, पहले से भी आपने पढ़ रखा है नाउन के अंदर सब्जेक्ट क्या है, रीटा। तो रीटा प्लेड फुटबॉल, ठीक है? ये तो सिंपल सिंपल सी चीज़ें हैं जो आपको पहले से ही पता है। द डॉग किल्ड द माउस। नेक्स्ट द डॉग, सब्जेक्ट क्या है, द डॉग। सब्जेक्ट और भी हैं, लेकिन हम इसको सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब क्यों कह रहे हैं ये मैं आपको अभी बताती हूँ। पहले हम एग्जांपल पढ़ लें। द मोबाइल वॉज लॉस्ट बाय प्रमोद, द मोबाइल। उसके बाद है मीरा बॉट अ गोल्ड रिंग, मीरा, इसमें सब्जेक्ट है। उसके बाद कोलकाता स्टैंड ऑन द हुगली, कोलकाता स्टैंड ऑन द हुगली। अब इसमें कोलकाता, कोलकाता क्या है, एज ए सब्जेक्ट यूज़ किया गया है। अब आप कहेंगे कि हम कैसे पता लगाएंगे कि हम ये एज ए सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब है। अब इसके लिए हमारे पास देखिए हु और वॉट है। जब हम क्वेश्चन करेंगे इन हु और वॉट से, और उसका आंसर हमें जब मिलता है, तब हम कहते हैं ये सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब है, सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब है। अब देखिए क्या है, जैसे कि हमने कहा रीता प्लेड फुटबॉल, हु प्लेड फुटबॉल, हु प्लेड फुटबॉल, आंसर क्या मिला, रीटा, ठीक है? नेक्स्ट है द डॉग किल्ड द माउस, हु किल्ड द माउस, किसने मारा, ठीक है? तो आप कहोगे द डॉग, आंसर मिला द डॉग। नेक्स्ट है द मोबाइल वॉज लॉस्ट बाई प्रमोद, What was lost by Pramod? What was lost by Pramod? तो आपने कहा the mobile।
तो मींस कहने का है कि जब भी हम क्वेश्चन, जब हमें ये पता लगाना है ये सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब है, तो हम या तो हु से क्वेश्चन करेंगे या व्हाट से क्वेश्चन करेंगे। जब हु या व्हाट से क्वेश्चन करते हैं और हमें उसका आंसर मिलता है, तब हम कहते हैं दिस इज़ द नॉमिनेटिव केस या दिस इज़ सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब कह सकते हो। ठीक है, मीरा बॉट अ गोल्ड रिंग। अब हु बॉट अ गोल्ड रिंग? मीरा। कोलकाता स्टैंड्स ऑन द हुगली। व्हाट स्टैंड्स ऑन द हुगली? तो आप क्या बोलोगे, हुगली एक रिवर है। ठीक है, कोलकाता, कोलकाता स्टैंड्स ऑन द हुगली रिवर। तो ये आपका क्या है, तो आपको इससे पता चल रहा है हु और व्हाट से जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये एक नॉमिनेटिव केस है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नंबर टू की, और वो है एक्यूसेटिव या ऑब्जेक्टिव केस। सो चिल्ड्रन, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑब्जेक्टिव केस और एक्यूसेटिव केस। एक्यूसेटिव केस कुछ भी नहीं है, ये बताता है ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, मीन्स हमने एक सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा है। ये तो आप स्टार्टिंग से करते ही आ रहे हो, इसलिए इसमें इतना कोई सोचने या डरने वाली बात नहीं है। बट जब हम देखते हैं एक्यूसेटिव, तो हमें लगता है ओफ पता नहीं क्या चीज़ है, है ना। तो एक्यूसेटिव केस हम पढ़ते हैं, एक्यूसेटिव केस या फिर हम इसे कहेंगे ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हेन अ नाउन इज यूज as the object of the verb, it is said to be in the accusative case or object of the verb. ठीक है, जब हम noun को as a object sentence में use करते हैं तो वो accusative case या object of the verb कहलाता है। अब देखिए, अब हम इसके example देख लेते हैं। The man hits the door, the man hits the door. सेकेंड है, रोहित किल्ड अ स्नेक, रितु रॉट अ लेटर, जानवी पेंट्स अ पॉट, मोहित लव्स मीतू। अब देखिए, द डोर, अ स्नेक, अ लेटर, अ पॉट और मीतू, ये हमारे यहाँ पर सब एज अ ऑब्जेक्ट काम कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब काम कर रहे हैं। अब इसमें वर्ब क्या है, किल्ड, रॉट, पेंट, लव्स। ठीक है, अब तो हमें इनको, अब आप कहेंगे कि ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब कैसे पहचानेंगे। ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब को पहचानने के लिए हम यूज़ करेंगे व्हाट का या फिर हुम का। हम व्हाट से या फिर हुम से क्वेश्चन बनाएंगे तब हमें पता चले, और जब हमें इसका आंसर मिलता है तो हम कहेंगे इट इज़ सेड टू बी इन द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, और यू कैन से द एक्यूसेटिव केस। ठीक है, देखिए, द मैन हिट्स द डोर, हम इसको बनाएंगे व्हाट से। व्हाट डज द मैन हिट, व्हाट डज द मैन हिट, आंसर क्या आता है, द डोर। ठीक है, हुम वॉज किल्ड बाय रोहित, किसके द्वारा, रोहित के द्वारा किसको मारा गया, अ स्नेक, स्नेक। ठीक है, ठीक है, रितु रॉट अ लेटर, अब रितु रॉट अ लेटर मीन्स व्हाट डिड रितु राइट, व्हाट डिड रितु राइट, क्या लिखा उसने, अ लेटर, आंसर क्या मिला, अ लेटर। ठीक है, जानवी पेंट्स अ पॉट, व्हाट डज जानवी पेंट, तो जानवी पेंट्स अ पॉट, आप क्या देख रहे हो, अ पॉट, ये क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। मोहित लव्स मीतू, विद हुम मोहित लव्स, किसके साथ वो लव करता है, विद हुम मोहित लव्स, तो आप कहोगे मीतू। तो आपने देखा यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब क्या है, कि जब हम सेंटेंस में नाउन को एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब या फिर एक्यूसेटिव केस कहलाता है। ठीक है, कितना आसान है, तो ये कोई बहुत मुश्किल नहीं है, ये तो हम पहले से सब कर चुके हैं, लेकिन नामों को देखकर हम डर जाते हैं। वेल, हम थर्ड करेंगे, हम नेक्स्ट करेंगे पोजेसिव केस। सो चिल्ड्रन, मैंने आपको पहले कहा था कि मैं आपको बता रही हूँ पॉजिटिव केस के बारे में, लेकिन पॉजिटिव केस को बताने से पहले भी एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमारे सेकंड ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब में है, वो क्या है, वो ये है कि हम ऑब्जेक्ट, कभी कभी आप देखोगे सेंटेंस के अंदर दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं। कितने तरह के होते हैं, दो तरह के, एक तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब उनको पहचानने के क्या तरीका है, कैसे हम पहचानते हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ग्रामर में, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना। अब देखिए,
पहली चीज़ जो आपको इम्पॉर्टेंट क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, पहले हम ये समझ लेते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है व्हेन द नाउन नेमिंग द थिंग्स, जब कोई नाउन किसी भी चीज़ के बारे में बात करता है, नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में बात करता है, तो वो कहलाता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर वो ऑब्जेक्ट की जगह पर है और वो नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में बात कर रहा है, थिंग्स के बारे में बात करते हैं, तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। लेकिन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, जब नाउन नेमिंग द पर्सन, जब लिविंग थिंग्स के बारे में बात की जाती है, जब किसी पर्सन के बारे में बात की जाती है, तो वो कहलाता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आप समझ गए, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हुआ, नॉन लिविंग थिंग्स मतलब चीज़ों के बारे में, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हुआ, जब नाउन किसी पर्सन के बारे में बात करता है। बस ये दो बातें आपको याद रखनी है, देन यू विल ऑलवेज बी क्लियर, यू विल ऑलवेज बी क्लियर कि हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है। किसी भी सेंटेंस को देखकर आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे। आप एग्जांपल देख लेते हैं, मोहित गेव लता अ डॉल। अब देखो, मोहित गेव लता अ डॉल, लता क्या है, पर्सन, पर्सन में क्या आएगा हमारा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्या है ये, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और डॉल क्या है, डॉल एक नॉन लिविंग थिंग है, एक थिंग है, तो हमने इसलिए कह दिया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैंने आपको बताया था जो थिंग्स है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और जो नॉन लिविंग और जो लिविंग थिंग्स हैं, जो पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। नेक्स्ट हो गए, द ग्रैंड मदर टोल्ड अस अ स्टोरी। अब आप बताइए, द ग्रैंड मदर टोल्ड अस, अस के बारे में मतलब हम, जो पर्सन है उसके बारे में बात करें, अस, तो ग्रैंड मदर टोल्ड अस अ स्टोरी, अस का मतलब ये क्या हो गया, यानी कि पर्सन के बारे में बात की जा रही है, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अ स्टोरी, एक कहानी के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट आप बताओ, आई गिफ्टेड माई फ्रेंड बार्स ऑफ चॉकलेट, आई गिफ्टेड माई फ्रेंड बार्स ऑफ चॉकलेट, तो क्या है, फ्रेंड क्या हो गई, फ्रेंड तो लिविंग थिंग हो गई, फ्रेंड तो लिविंग चीज़ हो गई, पर्सन हो गया, तो क्या हो गया ये, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मैंने लिखा है आई ऑब्जेक्ट, आई ऑब्जेक्ट मतलब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और बार्स ऑफ चॉकलेट, चॉकलेट क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, तो ये है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट देखेंगे, द टीचर प्रॉमिस द स्टूडेंट्स फॉर फ्री पीरियड, द टीचर प्रॉमिस द स्टूडेंट्स फॉर, टीचर ने प्रॉमिस किया स्टूडेंट्स से कि भाई वो फ्री पीरियड उनको देगी, तो द स्टूडेंट्स कौन हो गए, स्टूडेंट्स हो गए पर्सन, यानी कि ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और फ्री पीरियड क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, है ना। तो चिल्ड्रन आज हम बस इतना ही करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मिलूंगी पॉजेसिव केस के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम्स, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।